छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक बार फिर से आप देख रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनती हुई दिख रही है। लेकिन अगर बीजेपी को भी अपरे जो आंकड़े हैं, अब हम पहुंच गए हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा में, भूपेश बघेल की एक बार फिर से किस्मत जागती हुई यहाँ दिखाई जरूर दे रही है। 50 अपर एज है कांग्रेस पार्टी का, 90 सीटें हैं, 46 चाहिए अगर आपको छत्तीसगढ़ में बनानी है सरकार। तो यहाँ पर जो आंकड़े है अभी तक के वो हम आपको दिखा देते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के लिए अगर इम्तिहान है, रमन सिंह सीएम कैंडिडेट यहां भी नहीं बनाए गए, कमल ही यहां पर भी उम्मीदवार था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन महादेव स्कैम हो, तमाम ऐसे मुद्दे हो जो कि उठाए गए थे। यहां पर छत्तीसगढ़ के आंकड़े आपको दिखा देते हैं, 36 से 46 अगर 46 अपर एज 46 आ गया तो बीजेपी की सरकार बन सकती है, लेकिन अगर थोड़ा भी नीचे घटा आप इसका मीन मीडियन में निकालेंगे तो बीजेपी फंसती दिख रही है। वहीं अगर आप कांग्रेस पार्टी की तरफ जाएंगे तो कांग्रेस पार्टी को देखिए यहां पर सीटें आती हुई इतनी दिखाई दे रही है, जिसमें अपर एज में वो पहुंच रहे हैं 50 तक, और अगर वो 50 तक पहुंच रहे हैं 40 से 50 तो उनकी बनती हुई दिख रही है स्पष्ट सरकार। सुमी, आपका खुद का आकलन क्या कहता है? अब तो खैर एग्जिट पोल हम लोगों ने रखी दी है, और अगर यही होता है तो भूपेश बघेल के लिए एक बड़ी विक्ट्री होगी। देखिए वहां पर अजीत जोगी के साथ पहली सरकार बनी थी, उसके बाद 3 बार रमन सिंह मुख्यमंत्री रहे। भूपेश बघेल अगर वापसी करते हैं तो वो भी एक लेगेसी वहां पर छत्तीसगढ़ में अपनी छोड़ जाएंगे अपनी पॉलिटिक्स की। जी बिल्कुल, ये बोलना गलत नहीं होगा। भूपेश बघेल ने जो अपनी छवि है पिछले 5 सालों में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर लिया, ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बट पूरे भारत में, और वो पॉपुलैरिटी उनकी छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिल रही है। हमने जगह जगह पूरे छत्तीसगढ़ के टूर किए और कहीं पर भी हमें भूपेश बघेल को लेकर ऑपोजिशन देखने को नहीं मिला, और अपने आप में ये बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने एक किसान पुत्र के तौर पर एक इतनी स्ट्रॉन्ग छवि बनाई है, एक छत्तीसगढ़ियावाद जो उन्होंने छत्तीसगढ़ स्टेट को दिया, अपनी खुद की आइडेंटिटी दी, जो बीजेपी के कार्यकाल में बहुत मुश्किल से मिल पाई थी, और मुझे लगता नहीं कि बीजेपी के कार्यकाल में मिली भी थी। तो वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग एक जो वेव है वो भूपेश बघेल के फेवर में काम किया है, और एग्जैक्टली काका के नाम से उन्हें यहां पर जाना जाता है। तो छत्तीसगढ़ में वो जो काका बनके उभरे हैं वो सबके चहेते बनके उभरे हैं, और इसीलिए उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो इंटैक्ट इस चुनाव में भी नजर आ रही है। लेकिन बहुत ज्यादा करीबी मामला होने वाला है, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी भी 46 तक पहुंचती है तो ऐसा मानना बिल्कुल वो नहीं होगा, ये ओपन हो सकता है कि किसी की भी सरकार बन सकती है। अभी भी ओपन है मामला, किसी की बन सकती है। जो अन्य है 1 से 5 वाले वो अपना अपना इस वक्त, मतलब राजस्थान हो छत्तीसगढ़ हो, आलोक जी जल्दी से कमेंट आपसे, क्योंकि जो विनोद जी ने पहले कहा था उस पर भी मैं एक कमेंट चाहती हूँ, उसके बाद से आप छत्तीसगढ़ पर भी जरूर बोलिएगा। छत्तीसगढ़ को आप देखें, वो कह रहे हैं कि जो आपका ओरिजिनल है आप उसी पर चिपकिए, वरना अगर लोगों को हिंदुत्व पर ही वोट डालना होगा तो वो ओरिजिनल को चुनेंगे बीजेपी को, ये विनोद जी ने कहा। देखिए मुझे लगता है हिंदुत्व सभी का है, किसी का ओरिजिनल और किसी का डुप्लीकेट नहीं है। जो भी उसमें आस्था रखता है उस पर कहीं ना कहीं उसका प्रभाव पड़ता है, और जिस तरह से 18.5 साल तक भी सत्ता में रहने के बाद, चोरी की सरकार चलाने के बाद भी आपको राम मंदिर ही लगाना पड़ा, तो मुझे लगता है कि ये एक बार 3 तारीख को पूरा विश्लेषण जब सामने आएगा उसके बाद सही बता पाएंगे कि भाई मध्य प्रदेश के अंदर क्या सिचुएशन है। मुझे अभी भी पूरी उम्मीद है कि अंडर करंट हमारे पक्ष में था। जहां तक बात छत्तीसगढ़ की है, छत्तीसगढ़ की तमाम योजनाएं इस तरह की थी जो किसान सेंट्रिक थी, जो महिला सेंट्रिक थी, और उसका पूरा फायदा हमें मिलता हुआ नजर आ रहा है, और वहां पर भी मैं समझता हूं कि 60+ हम जाएंगे। जल्दी से आपको सुना देते हैं एग्जिट पोल के बाद क्या कह रहे हैं भूपेश बघेल, क्या कह रहे हैं रमन सिंह, क्योंकि छत्तीसगढ़ में मुकाबला बहुत दिलचस्प हो गया है। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सबके सभी पोल जो है एक समान होंगे, तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी भारी बहुमत से। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोटस की तैयारी कर रही है, तो जहां से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की कोशिश, बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है और वो नहीं कर पाएंगे। एग्जिट पोल से स्पष्ट हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक लंबी छलांग लगाई है शुरुआती दौर में, और ये रुझान की ओर इंगित करता है। कहाँ 15 सीट से 48 सीट तक हम जाते हुए दिख रहे हैं, मगर मेरी मान्यता 48 सीट तक नहीं है। मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जो रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बढ़ता हुआ दिख रहा है,
ये जाके 52 और 56 सीट में जाके रुकेगा और भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। अब ऑपरेशन लोटस की बात वही लोग कर रहे हैं जिनके मन में डर और भय है। यदि आपने कुछ गलतियां नहीं की तो उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं।